हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए स्टाइलिश बैग ले आई हूँ। स्टाइलिश बैग जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा बड़े साइज़ में है, पूरा स्क्वायर भी नहीं है और रेक्टेंगुलर भी नहीं है, और ये पूरा वन पीस में है। ये देखने में कठिन लगेगा, समझने में कठिन लगेगा, लेकिन बनाने में उतना ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले सामान देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। 37 इंच बाय 16, ये देखिए यहाँ पर 37 इंच बाय 16 एक पीस चाहिए, और 7 बाय 6 के दो पीस चाहिए, 8 बाय 6 के दो पीस चाहिए। इन दोनों छोटे पीस के दो दो पीस चाहिए और इसका एक पीस चाहिए। फिर हमें बेल्ट चाहिए 21 इंच की, 21 इंच इंटू 2। जिप चाहिए 28 इंच, रनर 2 पीस, डी लूप 4 पीस, और लूप जिसमें डी फंसेगा वो 9 इंच उसकी लंबाई होगी, और वो हमें 4 पीस में चाहिए, 9 इंच के 4 पीस। और पाइपिंग ऑप्शनल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसको, इस बैग को जो हम बनाने जा रहे हैं, इसको आपको कुछ इस तरह से समझना होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हमारा 16 बाई 37 इंच है एक पीस। अब इसका सेंटर हम यहाँ निकालते हैं, इस सेंटर से हम 6 इंच इधर मार्क करते हैं, ये हमारा 6 इंच है, इधर हमारा बचेगा 15 इंच, और जो थोड़ा बहुत बच रहा है हाफ इंच, 37 है, तो या तो आप इसको 7 कर लें या तो इधर थोड़ा मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ दें, दोनों ऑप्शन में ये बैग बन सकता है। सेम इधर भी निशान लगाएं 6 इंच का, और ये आपके पास इधर ये 6 आ गया, ये 15 आ गया। अब इसमें हमें ये देखिए, ये तो हमारा हो गया बॉटम का हिस्सा, ये हिस्सा हमारा जो सेंटर का है वो बॉटम का हो गया, ये हमारा फ्रंट एंड बैक साइड हो गया। अब इसमें हमें यहाँ पर 3 इंच छोड़ना है, ये 6 इंच के बाद, ये यहाँ पे आप लाइन खींच लें कपड़े पर, और इसके बाद 3 इंच पर यहाँ लाइन छोड़ दें, लाइन लगा दें, और यहाँ पर जो ये हमारा 16 इंच वाला एरिया है, यहाँ पर 2 इंच का निशान इधर से और इधर से लगाएं, और ये 3 इंच से इसको यहाँ पर ऐसे स्केल से लाइन खींच लें, ये शेप इसका ऐसे आएगा। सेम प्रोसीजर इधर भी होगा, 2 इंच पर मार्क करें और 3 इंच पर यहाँ मार्क करें, और इसको फिर ऐसे यहाँ से यहाँ हल्का सा मोड़ दीजिए, तो ये हमारा बैक का शेप हो जाएगा। अब ये तो हमारी तैयारी हो गई, इसमें लाइन खींच के रख लें, कट करके रख लें, कट जब पूरा तैयार हो जाए उसके बाद कट करें अच्छे से मेजरमेंट करके। फिर से मैं बता देती हूँ, ये 3 इंच का एरिया होगा, ये 2 इंच का एरिया होगा, ये 3 इंच का एरिया होगा, 6 इंच के बाद 3 इधर 3 इधर, और ऊपर 16 जहाँ पर है, ये 16 वाला जो हिस्सा है यहाँ पर 2 इंच इधर 2 इंच इधर मार्क करके, और फिर इसमें निशान लगाना है, फिर उसके बाद कट करना है। अब हमारे पास अगला पीस है 6 बाई 8 वाला लेंगे, जो 6 बाई 8 का जो हमारे पास दो पीस है, ये हमारे पास 6 बाई 8 का पीस है, ये हमारा 6 इंच है और ये हमारा 8 इंच है। तो 8 इंच के, ये जो 6 इंच का है इसको यहाँ पर 3 में हाफ एंड हाफ में निशान लगाएं सेंटर में, और बीच में एक चौक से लाइन खींच लें। अब यहाँ पर हमें 1 इंच लेना है,
बीच जो सेंटर हमारा ये 3 इंच का आया, तो इसको इस तरह से लेना है कि यहाँ पर 1 इंच का एरिया आ जाए। बीच में से कट होगा, हाफ इधर आएगा, हाफ इधर आएगा, तो ये पूरा हमें 1 इंच का एरिया चाहिए। अब यहाँ से हम जो ये नीचे का हिस्सा है, इसमें भी यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमें कुछ ये पीस इस तरह से चाहिए होगा पूरा कट करने के बाद, और ये जो बीच का निशान है ये भी यहाँ से बीच में से कट होगा। इसके हमें 2 पीस चाहिए होंगे, और इसमें ही हम बाद में ये जो हमारा 6x7 का जो पीस है, ये जो बीच में से कट कर देंगे, इसमें हमें जिप लगानी होगी। इसके बाद वो 6x7 का जो पीस है इसको हम जोड़ेंगे। तो इतना हमें ये तैयार करना है। अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहले से कुछ तैयारी करके रखी है ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे। ये देखिए, ये हमारा 6 इंच वाला एरिया है बॉटम का, ये 3 इंच पर यहाँ से ये हल्का सा शेप में आ गया है। ये देखिए इस तरह से शेप आपको हल्का सा दिखाई देगा, ये यहाँ से ऐसे बेंड हो गया है हल्का सा, और यहाँ से फिर ये 3 इंच इधर, 6 इंच इधर, फिर ये 3 इंच इधर, और फिर ये आप लाइन देख रहे होंगे, ये अभी हम आपके सामने कट करूँगी। तो ये 3 इंच छोड़ने के बाद बॉटम से हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। इस तरह से कट कर दिया। ये कट कर दिया, और जो ये बेल्ट थी ये हमारे पास 12 इंच बचा, 2 इधर निकल गया, तो 16 - 4 में 12 इंच हमारे पास यहाँ पर ये बचेगा। ये 12 इंच बचा। अब 12 इंच को बीच में हमने, आप देख रहे होंगे चौक का निशान है, बीच में यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगाया, ये 6 इंच आया इसका हाफ एंड हाफ। यहाँ से 5 इंच डाउन गए, और फिर यहाँ से इसको हमने 7 इंच पर मार्क किया, 3.5 इधर, 3.5 इधर, और फिर ये लूप हमने लगा दिया। इस लूप की पूरी लंबाई, ये आपको 9 इंच लेना है, ये आपको 21 इंच लेना है, इस लूप इसको इस तरह से जोड़ना है इस लूप के साथ कि इसकी पूरी जो लंबाई है ये 24 इंच या 23 इंच आनी चाहिए, क्योंकि जब ये साइड में लिया जाएगा, कंधे पे टांगा जाएगा, तो इसकी एक परफेक्ट नाप आएगी। और ये इतना बड़ा होता है कि इसमें हम नीचे से पूरा हैंडल वो कैरी करने वाला वैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फिर जो हमारी फर्श है उसको छूने लगेगा। ये केवल हैंडबैग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या कंधे पे लिया जा सकता है, तो इसका केवल यही बेल्ट इसमें कारगर होती है। तो ये था हमारा, ये लगा दिया हमने। अब इसमें सारे मार्क हो गए, इसमें हमें चेन का हिस्सा तैयार करना है। ये देखिए, ये मैंने चेन का एक हिस्सा तैयार करके रखा है, ये 6x7 वाला हिस्सा है और ये 6x8 वाला हिस्सा है। अभी इसमें यहाँ पे हमने फिनिशिंग नहीं दी है, क्योंकि ये हिस्सा हमारा जो ये बैक का अपर साइड है, ये 12 इंच वाला, इसमें हमें इसके साथ यहाँ से पूरा जोड़ना है, और ये पूरा यहाँ बॉटम तक आ जाएगा। तो मैं इसको बता देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये 6x8 का पीस है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। इसको हम जब बीच में से कट करके जिप लगा लेंगे, उसके बाद ये वाली कट करेंगे। तो इसको पहले हम जिप लगा लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, तो वहाँ पे इसे लाइनर लेके
ये एक हिस्सा जुड़ा था, अब हम ये इसी में का दूसरा पार्ट तैयार कर रहे हैं। जो ये 1 इंच वाला एरिया है ये हमारे बैग के ऊपरी साइड में जाना चाहिए, और ये जो पूरा 3 इंच का एरिया है ये हमारे बैग के नीचे साइड में जाना चाहिए। तो जिप ऊपर की तरफ लगनी है, नीचे से ऊपर की ओर। अब यहाँ पर हम इसको पलट के फिनिशिंग अभी नहीं देंगे। अब ये हमारा एक हिस्सा जुड़ गया है, अब इसमें हम ये दूसरा हिस्सा भी जोड़ देंगे। ये हमारा इस तरह से जुड़ गया है। ये जो ये ट्रायंगल वाला एरिया है ये हमारा आमने सामने आना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया। अब इसमें ये वाला पीस जोड़ना है, तो इसको सिंपल, ये हमारा चौड़ा हिस्सा है, दोनों सीधे एक तरफ रखते हुए इसको ऐसे जोड़ देंगे। कुछ चीज़ें देखने में बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर किया जाता है तो वो सरल हो जाती हैं। ये हमारा पूरा चेन का हिस्सा तैयार हो गया है। अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि पाइपिंग ऑप्शनल है। अगर इसमें बाहर आप पाइपिंग लगाना चाहती हैं कि जोड़ दिखाई ना दे, तो इसको सीधा रख के जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से इसका जो एरिया है ये, और ये जो हमारा बॉटम का हिस्सा था, ये जो चौक का निशान देख रहे हैं, ये बैग के नीचे का जो हमने 6 इंच का एरिया दिया था वो है। इन दोनों को इस तरह से जोड़ के पहले पूरी सिलाई कर देंगे चारों तरफ से, फिर उसके बाद इसमें हम पाइपिंग जोड़ देंगे। लेकिन पाइपिंग जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, और पहले हम सीखना ज़रूरी है हमारे लिए, और साथ सज्जा बाद में एक बार समझ में आ जाएगा। आप एक बैग बनाइए, उसके बाद आप पाइपिंग वाला बैग भी तैयार कर सकती हैं। तो हम इसको बिना पाइपिंग का बैग मैं आपको बता रही हूँ।
क्योंकि जहाँ पर जिप है वहाँ पर पाइपिंग बहुत सफाई से जोड़नी होगी और उसको बहुत आराम आराम से जोड़ना पड़ेगा, और उसको बताने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। और अगर आप एक इसको समझ जाए तभी आप इसको पूरा पाइपिंग वाला बना सकते हैं। ये हम बॉटम से मिला के इसको सिलेंगे, बॉटम से ही इसकी शुरुआत करनी है। अब इसमें लोड का काम है, पेशेंस के साथ किया जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक हिस्सा जुड़ा। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे टर्न करेंगे, इस तरह से हमें घुमाना होगा। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर जिप के पास आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर जिप है, ये हमने अभी फिनिशिंग नहीं दी थी, और इसको यहाँ पर हम धीरे से ऐसे पलट देंगे। जो जिप का कपड़ा है उसको हम राइट साइड पलट देंगे ताकि वो सिलाई में दब जाए, इस तरह से। जैसे जिप लगाने के बाद फिनिशिंग में हमेशा बताती हूँ, उस तरह से। अब ये केवल जिप जुड़ेगी यहाँ पे। रनर हटा दें, साइड में कर दें, आगे पीछे कर दें। अब देखिए, यहाँ पर केवल जिप जुड़नी हमारी शुरू हो गई है। यहाँ पर फिर उसी तरह से जिप का कपड़ा अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दें, यहाँ पर ये ऐसे मिल जाएगा और फिर इसको हम जोड़ देंगे। अब पूरा जो ट्रायंगल वाला हिस्सा था वो नीचे तक लाएंगे, पूरा यहाँ बॉटम तक हम जोड़ देंगे। फिर ये वाला हिस्सा अब घुमा के जो बॉटम का निशान लगाया था वहां पर वापस ले आएंगे। अब ये बैग हमारा दूसरे साइड तरफ आ गया है, एक साइड पूरी जुड़ चुकी है।
बेल्ट वगैरह अंदर कर दें। फिर उसी तरह जिप वाला हिस्सा बाहर की तरफ लटते हैं, क्योंकि अब हमें जिप जोड़नी है। यहाँ से जिप अब हम खोल देंगे ताकि हमको सिलने में आसानी हो जाए। ये देखिए, ये पूरा हमने इसे खोल दिया है। ये यहाँ पूरा इतना बैग खुल गया हमारा। अब ये जिप हम इधर जोड़ देंगे। जहाँ हमने शुरुआत की थी हम वहाँ पर वापस पहुँच चुके हैं और ये बैग हमारा पूरा जुड़ चुका है। ये देखिए चारों तरफ से एकदम इसकी, ये इसका जो बॉटम का हिस्सा है ये पूरा एकदम परफेक्ट आ गया है। ये बैग हमारा इस तरह से पूरा खड़ा हो गया। जैसा कि मैं कहती हूँ कि बैग अगर खड़ा हो जाए आपका सिलने के बाद तो समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम, ये जो हमारा जिप का हिस्सा था, बैक सीधा करेंगे। सारे कोने निकाल लेंगे और अब ये जो हमारा ये हिस्सा है जिप का, ये जो सफाई दी जाती है बाद में, अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सब किनारा सिल देंगे, तो इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बेल्ट अंदर की तरफ कर दें, लास्ट में रनर रहेगा, ध्यान से मशीन चलाएं, फंसाएं इस तरह से। यहीं से पलट लेंगे, दूसरे साइड की जिप भी तैयार कर देंगे।
नीचे जिप है, आराम से मशीन चलाएं ताकि कोई नुकसान ना होने पाए आपका। और ये दूसरी तरफ का जिप का हिस्सा है। कॉर्नर पे जहाँ पे जिप लगाई जाती है वहाँ थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह जाता है, कट जो होता है उसको आप हल्का सा टेढ़ा काट दें और बाकी जिप के कपड़े के अंदर दबा दें। को और क्लियर कर दूं। ये जो 12 इंच वाला हिस्सा था हमारा, जब हमने जिप जोड़ी तो ये जो कॉर्नर रह जाता है ये, इसको हमें बस ये हल्का सा कट करना होगा, इसको मैं बता रही थी, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से अंदर दब जाए। ये देखिए, ये इस तरह का कॉर्नर इस तरह से निकलता है, तो इसको कट कर दें तो आपकी जो जिप है वो सफाई से जुड़ जाएगी। जितने धागे हैं काटते चलें ताकि फिनिशिंग का काम परफेक्ट खत्म रहे। ये हमारा बैग तैयार हो गया। ये देखिए, अब इसमें हमारी बाहरी फिनिशिंग की ज़रूरत है। हम पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं इसलिए इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप दीजिए और नहीं तो पाइपिंग लगाइए और या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन मैं इसमें फिनिशिंग दूंगी तो इसका शेप और भी खूबसूरत निकल के आएगा। ये जो जहाँ पे ये हमारा कपड़ा ख़त्म हो रहा था, हम वहां से इसकी फिनिशिंग देना शुरू करेंगे। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स भी दे देती हूँ। जब ये जो हमारी मशीन है, ये देखिए, जब इसका ये जो डोरी होती है, ये चक्के में जो लगी होती है व्हील में, ये अगर ढीली होने लगे तो ये मशीन सामने की तरफ से हल्का सा उठाएं और इस तरह की ये जो पुल हमारे पास धागे की होती हैं ये खाली हो जाती हैं, इनको बस डोरी कसने का समय नहीं है, यहाँ उठा करके इस साइड में इसे रखते हैं तो आपकी व्हील थोड़ी देर के लिए टाइट हो जाएगी और चलने लगेगी। इस तरह से बाद में काम खत्म होने पर पुल निकाल करके रोज टाइट कर लें।
ये जो बाहर की सिलाई है इसे बैक और मजबूती से सिल जाते हैं और थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाती है, शेप आ जाता है, अच्छा लगता है। ये एक साइड का हो गया, ये देखिए एकदम टाइट हो गया, पूरा एरिया इसका एकदम कवर हो गया। अब तो दूसरे साइड का कर लेते हैं इस तरह से। कोशिश करें कि जो भी बैग बनाए उसका जो बॉटम है वो पीस में ना हो, वन पीस में बैग बनेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बॉटम का एरिया आ गया, ये हमारा आखिरी एरिया आ गया। ये हमारा बैग तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बैग कुछ इस तरह से तैयार हो गया। तो ये था आज का हमारा स्टाइलिश बैग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नंदनी कल फिर कुछ नया लेके मिलेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।